नमस्कार, मैं विष्णु कुमार जायसवाल जन सरोकार मंच के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा विषय है गांव में पुस्तकालय कैसे स्थापित करें और इसका संचालन कैसे हो। मेरे ग्राम आवा में भी अध्यापकों के सहयोग से एक पुस्तकालय खोला गया है, जिसको करीब 2.25 साल हो गया है और वो अनवरत रूप से जारी है, सुचारू रूप से उसका संचालन हो रहा है। कैसे उस पुस्तकालय का विकास हुआ, उसके बारे में आपसे मैं अगले 25 से 30 मिनट चर्चा करूंगा। पुस्तकालय को लेकर भविष्य में हम क्या कर सकते हैं और आसपास जो छोटे छोटे गांव हैं, ग्राम पंचायत हैं, ढाणिया है, उनमें पुस्तकालय की स्थापना कैसे हम कर सकते हैं, जिससे आम जन को फायदा पहुंच सके। तो हाँ, मैं शुरुआत आवा ग्राम के पुस्तकालय से करना चाहूंगा कि कैसे जन सहयोग से, अध्यापकों की मदद से, पंचायत प्रशासन के सहयोग से इस पुस्तकालय का संचालन हुआ, इसकी स्थापना हुई। वाकई में ये एक कठिन कार्य था, इसमें कठिनाई भी थी। किस प्रकार से पुस्तकालय स्थापित होगा, कैसे जगह मिलेगी, कैसे किताबों की व्यवस्था होगी, कौन पढ़ने के लिए यहाँ पर आएगा, ये सभी बातों को लेकर हमने कार्य शुरू किया। तो इसके प्रारंभ में बताना चाहूँगा मैं आपके लिए दो मेरे प्रश्न हैं, इस पर आप कमेंट कर सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। तो अपने अपने गांव में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं और उसके सुचारू संचालन के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, इस दो सवालों पर अपने अनुभव आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि आवा ग्राम में जो पुस्तकालय की शुरुआत हुई और जिस प्रकार इसकी विकास यात्रा रही, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आज से करीब 2 साल पहले 14 जनवरी 2018 को श्रीमान अंशुल जी सर, जो आवा में बालिका स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक है, उनके मन में विचार आया कि गांव में पुस्तक संस्कृति को विकसित करने के लिए एक पुस्तकालय की स्थापना होनी चाहिए। पर उसके लिए, पुस्तकालय के लिए एक गांव के बीचों बीच जगह की आवश्यकता थी, जो एक सार्वजनिक रूप से प्रदान हो सके। तो इसके लिए हमने प्रयास शुरू किए। अंशुल जी सर ने ये बात मेरे को बताई और हमने आसपास के जो वरिष्ठ नागरिक थे गांव के, उनसे इस विषय में चर्चा की। तो ज्यादातर तो महानुभाव ने अपने विचार अच्छे दिए, सकारात्मक दिए और कुछ नकारात्मक विचार भी उसमें शामिल हुए, लेकिन धीरे धीरे माहौल बनता गया। हमने अपना प्रयास छोड़ा नहीं और अनंत हमें सफलता मिलनी शुरू हुई। और इसी प्रयास में सर्वप्रथम रामलाल जी गुर्जर, जो पूर्व सीआर है, उनके सहयोग से हम उनसे बात की तो उनको ये विचार बहुत पसंद आया और हम इस विचार को लेकर सरपंच साहब, जो तात्कालीन सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब थे, उनसे इस विषय में मिले। तो उन्होंने तुरंत हमें पंचायत का एक जो कमरा पंचायत के मेन सड़क पे खुलता है वो देने की सिफारिश उन्होंने कर दी। कमरा देखा तो कमरे में बहुत गंदगी थी, उसमें डामर का ढोल था जो जमा हुआ था,
पुताई नहीं हो रही थी उसकी, और मतलब सीमेंटेड था वो, तो सीमेंट के कट्टे भरे होने के कारण उसकी दीवारों पर सीमेंट चिपका हुआ था। तो हमने उसको साफ करने का एक बेड़ा उठाया और हमने मैं और अंशुल जी सर और अन्य लोगों की मदद से उस कमरे की सफाई की और उसको पुताई और की, उसको पढ़ने योग्य हमने बनाया। आप अपने सुझाव देते रहे हैं। आप मैं मेरे दो सवाल है, पुस्तकालय स्थापित करने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं और इसका सफल संचालन के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, इन दोनों सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल का जवाब दें। मतलब बैठने योग्य बनाया तो पुस्तकालय में अब पुस्तकों की व्यवस्था कैसे हो, उसमें जो आवश्यक चीजें हैं वो कैसे हो, तो हमने इसके लिए भी प्रयास शुरू किए धीरे धीरे। तो पहले प्रयास में हमने इसमें फर्नीचर की व्यवस्था की और जो यहाँ के लोकल अध्यापक थे, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा बद्री जी बेरवा, बद्री जी माड़ी और रमेश मेघवंशी ने हमने सहयोग दिया इसके लिए, और अंशुल जी शर्मा ने भी बहुत ज़्यादा इसमें अपना सहयोग दिया, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो किसी भी प्रकार का सहयोग हो, उनका सहयोग इसमें सबसे अधिक था। तो हमने फर्नीचर की व्यवस्था, इसमें फर्नीचर लगवाया और इसमें और अन्य सुविधाएं जैसे दरियाँ बिछवा दी, तो इसको एक मतलब पढ़ने लायक बना दिया। तो हम धीरे धीरे इसमें गतिविधियां भी होने लगी, बच्चे भी आने लगे इसमें, धीरे धीरे इसमें संचालन होने लगा और इसमें जैसे महापुरुषों की जयंतियां, महात्मा गांधी की जयंती, कस्तूरबा की जयंती आदि मनाई जाने लगी और भी अन्य नवाचार हम इसमें करने लगे। अब ये पुस्तकालय कैसे खुला, तो इसका उद्घाटन 2 जनवरी 2018 को इसका उद्घाटन किया गया। तो उद्घाटन के अंदर शिक्षक गण आए, जिसमें प्रेम शंकर जी, अशोक जी चंदेल, रूप नारायण जी सोनी आदि और अन्य ग्रामीण भी यहाँ आए बड़े धूमधाम के साथ। इसे पुस्तकालय की स्थापना 2 फरवरी 2018 को की गई। यहाँ पर जो गतिविधियां थी वो धीरे धीरे अपने चरम स्तर पर पहुंचने लगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर किताबें कहाँ से मिले, पुस्तकालय के लिए किताबें हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया और बोधि प्रकाशन जयपुर और राजकमल प्रकाशन जयपुर, इन दोनों स्थानों से हमें निःशुल्क किताबें मिलने शुरू हुई। दो सवाल पहले ही दे रखे हैं कि पुस्तकालय स्थापित करने के लिए हमारे प्रयास क्या हो सकते हैं ग्रामीण स्तर पर और इसके संचालन के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो आगे इसी कड़ी में इसकी स्थापना 2 फरवरी 2018 को हमने कर दी, जिसमें गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होकर इसके संचालन का बेड़ा उन्होंने उठाया। अभी इसमें किताबों की जरूरत, बुक्स वो कहां से मिले, तो इसके लिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया और राजकमल प्रकाशन जयपुर और बोधि प्रकाशन जयपुर इनसे कवि पुस्तकें मंगाने की पेशकश की। इसके लिए अंशुल जी सर और मैं जयपुर गए और वहां से करीबन 1000 किताबें, 2 बड़े बड़े कार्टून लेके आए, उनको पुस्तकालय में जमाया और धीरे धीरे इसमें बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और शिक्षक भी आते रहते थे इसमें और अनेक गतिविधियां उसमें होती रहती थी। तो इसके बाद
इसमें बेड ने योग्य इसको किया, पंखे की व्यवस्था की, लाइट की व्यवस्था इसमें की, और इसमें शिक्षकों का जो सहयोग है वो बहुत अच्छा रहा। आगे इसी कड़ी में धीरे धीरे युवा छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र भी इससे जुड़ते रहे, और हमें अनुभव हुआ कि पहले इसमें क्या है, दरी थी और गद्दे थे, उसमें बैठकर अध्ययन करते थे। हमें ऐसी जरूरत पड़ी कि इसमें टेबल कुर्सी की व्यवस्था हो जिसपे ये छात्र पढ़ के अपने तैयारी को अंजाम दे सके। तो इसमें हमें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाली पुस्तकों की जरूरत पड़ी, तो हमने शिक्षकों से दान दी। युवा जो अभी वर्तमान में नए जो शिक्षक है उनके सहयोग का सहारा भी लिया इसमें रूप। इसमें जो नए जो शिक्षक है उन्होंने अपना सहयोग बखूबी निभाया, और इसमें करीबन अभी 300 के आसपास प्रतियोगिता परीक्षा की बुकें है। बीच बीच में पुस्तकालय में महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाने लगी। वर्तमान में पुस्तकालय में 1000 धार्मिक साहित्यिक बौद्धिक किताबें रखी हुई है जो अलग अलग धर्मों से, साहित्य से, कहानी, कविता, नाटक, निबंध और करीबन 300 से अधिक प्रतियोगिता परीक्षा की किताबें इसमें रखी हुई है। इसमें जनसाधारण चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे शिक्षक हो, कोई भी आके इसमें अपना अध्ययन कर सकता है। पुस्तकालय में बैठने के लिए टेबल कुर्सी की व्यवस्था है जो जन सहयोग और शिक्षकों की भागीदारी का एक अभिनव प्रयास है। यह कार्य असंभव नहीं है, और आवाम की तर्ज पर ऐसा पुस्तकालय हम दूसरी ग्राम पंचायतों में भी स्थापित कर सकते हैं। वर्तमान में आवाम जो पुस्तकालय हैं उसमें 20 से 30 प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा छात्र तथा 10 से 12 स्कूली छात्र इसमें अध्ययन के लिए आते हैं और पुस्तकालय का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। मेरा निवेदन है उन शिक्षकों को, वो अपना कम से कम 25 से 30 मिनट पुस्तकालय में आए और यहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों का मार्गदर्शन भी करें, और खुद भी यहाँ जो अथाह ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है उसको ग्रहण करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि लगभग आवा ग्राम में 100 से अधिक अध्यापक है, तो अगर 10 से 15 अध्यापक भी अगर इसमें आए और अध्ययन करें तो गांव के लिए और अच्छा होगा। हमें आशा है कि यहाँ पर अध्ययन करने वाले जो छात्र हैं वो अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे और अपने भविष्य का निर्माण करेंगे, गांव का नाम रोशन करेंगे तथा पुस्तकालय का नाम रोशन करेंगे। मेरे जो सवाल है उनके कमेंट आप कीजिए कि हम गांव में किसे पुस्तकालय स्थापित कर सकते हैं और इसके सुचारू संचालन के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। जो आवा में पुस्तकालय स्थापित है महात्मा गांधी जनवादी पुस्तकालय, उसी की तर्ज पर ढीकला क्वारपरा पंचायत की ढीकला ग्राम में भी एक पुस्तकालय की शुरुआत हुई है। वहाँ भी लगभग 2 महीने से पुस्तकालय सुचारू रूप से चल रहा है। इसी की तर्ज पर यहाँ के अनुभव से ही, यहाँ की प्रेरणा से ही वहाँ भी पुस्तकालय की स्थापना हुई की गई है जो सुचारू रूप से चल रहा है। धूनी में भी पुस्तकालय चल रहा है, कुचलवाड़ा में भी पुस्तकालय की स्थापना आवा की पुस्तकालय की प्रेरणा से हुई है। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। मेरे सवाल एक बार और दोहरा देता हूँ मैं,
गांव में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं और पुस्तकालय के सुचारू संचालन के लिए हमें क्या करना चाहिए और भविष्य की क्या संभावनाएं हमें पुस्तकालय के प्रति होनी चाहिए, पुस्तकालय के प्रति हम भविष्य में क्या प्रयास कर सकते हैं, इस पर आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए। मेरा इस पे पहला विचार है, पुस्तकालय के जो पाठक है उनको पुस्तकालय में प्रचार प्रसार तथा ग्रामीणों को पुस्तकालय के महत्व के बारे में अवगत कराना चाहिए, क्योंकि पुस्तकालय में पुस्तक संस्कृति का विकास होगा। अधिक से अधिक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आजकल ऑनलाइन मोबाइल से जो पढ़ाई हो रही है वो इतनी कारगर साबित नहीं है। जो ज्ञान पुस्तकों में मिलता है उसकी तुलना हम ऑनलाइन सामग्री से नहीं कर सकते। परमानंद प्रजापति ने कहा है कि गांव-गांव में पुस्तकालय घर घर पहुंचे शिक्षा। हाँ, अगर पुस्तकालय होगा और पुस्तकालय जहां पर होगा तो उस गांव के हर घर का बच्चा वास्तव में पुस्तकालय में जाकर किताबों का अध्ययन कर शिक्षा ग्रहण करेगा और वो शिक्षा उसके आस पड़ोस घर में भी जाएगी। ये निश्चित रूप से सही बात कही है। दूसरा मेरा पॉइंट है कि शिक्षकों को पुस्तकालय में बात के माध्यम से जोड़ना, शिक्षकों को पुस्तकालय में जुड़ना चाहिए और शिक्षक जब पुस्तकालय से जुड़ेंगे और यहाँ आकर अध्ययन करेंगे तो अपनी बातें अन्य शिक्षकों से भी वो शेयर करेंगे, तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। पंचायत प्रशासन द्वारा भी पहल कर अपने गांव में पुस्तकालय का शुभारंभ करना चाहिए। ये मेरा तीसरा पॉइंट था। आवा ग्राम में जैसे सरपंच साहब ने, जो वर्तमान सरपंच साहब है उनका मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हमें पंचायत भवन का एक कमरा मुफ्त में दे रखा है, जिससे गांव के लगभग 30 से 35 युवा छात्र लाभ ले रहे हैं। तो पंचायत प्रशासन द्वारा मतलब पहल करनी चाहिए अपने अपने पंचायत स्तर पर, और खाली जो पड़े भवन हैं उनका उपयोग पुस्तकालय के लिए हम कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा विचार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक विचार ये आया है कि गांव की जो लोग व पाठक अपने जो जन्म दिवस है तो उस जन्म दिवस पर वो पुस्तकालय में कुछ चीजें पुस्तकें भेंट कर दें, या अन्य जो चीजें हैं पुस्तकालय की जो आवश्यक चीजें हैं जैसे कुर्सी है वो चीजें भी हम भेंट कर सकते हैं। देवेंद्र रविंदर मारू, धन्यवाद सर, आपका कमेंट आया है, बच्चों की पुस्तकों को पढ़ने में रुचि कैसे पैदा करें। रुचि के लिए यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की अलग अलग पुस्तकें हैं, चाहे वो जिस प्रकार का पाठक छात्र पढ़ने में रुचि पैदा करता है उस तरह की हमें पुस्तकें अपने पुस्तकालय में स्थापित करनी होगी, और उसके लिए मतलब फंड की जरूरत पड़ेगी, तो वो जन सहयोग से या उसी स्तर पर होगा, जिस या तो फिर वो अपने घर से वो वैसी पुस्तक लाए बच्चा तो यहाँ पढ़ कर उसको अपने साथ ले जाए, या वो पुस्तकालय के संचालन समिति को लिखवाए कि ये पुस्तकें होनी चाहिए, या ऐसा है तो उसके लिए व्यवस्था पुस्तकालय समिति करेगी। तो ये इस प्रकार से जैसे जिस रुचि की किताबें पढ़ने के लिए जैसा पाठक आएगा वो अवगत करवाए तो मतलब वो किताबें वैसी किताबें हम रख सकते हैं। गोपाल सिंह जी नमस्ते। तो मेरा चौथा पॉइंट था कि गांव के जो नागरिक है उनके बच्चों के जन्मदिवस पर वो पुस्तकालय को किसी भी रूप में कोई भी चीज हमें भेंट कर सकते हैं, जिससे पुस्तकालय का
मतलब रोटेशन चलता रहे, किताब दे सकता है वो, मतलब इसमें बैठने के लिए कुछ सामग्री दे सकता है, जो भी जरूरत है पुस्तकालय मांग के अनुसार वो उपलब्ध करा सकता है। मेरा पांचवा पॉइंट है कि ऐसी ग्राम पंचायत को चिन्हित करना जहां पर पुस्तकालय आसानी से खुल सके, उन जगह को चिन्हित करना चाहिए जहां पर भवन की कमी नहीं हो। आजकल बहुत से सरकारी भवन अनुपयोगी रूप में पड़े हुए हैं, तो हम उन भवनों का पुस्तकालय के स्थापित करने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, तो हम उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। युवा वर्ग को जागना पड़ेगा, वहाँ के जो अध्यापक गण है, शिक्षक गण है, उनको जागना पड़ेगा। एक वातावरण निर्माण पुस्तकालय के लिए होना चाहिए, वो करना पड़ेगा। पुस्तकालय से यह है कि शहरों में तो बड़े बड़े पुस्तकालय होते हैं और वहाँ पर 1,000-1,500 रुपये तक ले लिए जाते हैं, तो गरीब जो बच्चे हैं, जो शिक्षक है, वो अपना पुस्तकालय में अध्ययन करके अपना लाभ प्राप्त घर बैठे कर सकते हैं। पुस्तकालय में पुस्तक संस्कृति का विकास होता है, जिससे मानव का मस्तिष्क विकसित होता है। आज जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है वो इतनी कारगर नहीं है। पुस्तक संस्कृति का विकास करें, साथ समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हो। पुस्तकालय में बैठकर घंटा आधा घंटा जो समसामयिक की चर्चा होती है, उस पर जो पुस्तकालय में बैठने वाले छात्र है वो आपस में चर्चा करें, इससे क्रियात्मकता बढ़ेगी और पुस्तकालय का जो भाव है वो पुस्तकालय से बाहर निकलकर बड़ा रूप लेगा और अन्य जगह पर इसके स्थापित होने की प्रेरणा अन्य व्यक्तियों को मिलेगी। और मेरा अगला पॉइंट है, यहाँ पर जो पुस्तकालय खुला है वो खुला हुआ है आवामी, जो सार्वजनिक है, सभी के लिए मुफ्त, किसी से कोई पैसा नहीं है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय में जो दानदाता है, भामाशाह है, उनकी भागीदारी भी होना बहुत जरूरी है। अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे सवाल थे, पुस्तकालय स्थापित करने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए और पुस्तकालय के संचालन के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। ये मेरे दो सवाल है, गांव में पुस्तकालय खोलने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए और इसके भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा अगला बिंदु है, दानदाताओं पुस्तकालय में दानदाताओं की भागीदारी हो, ये भी एक धर्म का कार्य है, तो इसमें दानदाताओं की भागीदारी एक अच्छा विषय है, तो इसमें बढ़ चढ़कर दानदाताओं और भामाशाहों को अपना योगदान देना चाहिए, एक धर्म का काम है। मोदी जी, मेरा अगला बिंदु है कि अध्यापक गण पुस्तकालय में अधिक समय दे, जिससे पुस्तक संस्कृति का विकास हो सके। हाँ, मेरा अगला बिंदु है कि अध्यापक गण पुस्तकालय में अपना समय दे, जिससे पुस्तक संस्कृति और छात्र प्रेरित हो। जब अपने गुरुजी पुस्तकालय में आके पढ़ेंगे तो बच्चे तो उनको देखकर उनसे प्रेरित होकर ही पुस्तकालय में आ जाएंगे। तो आवाम में लगभग 100 से अधिक शिक्षक है, उनमें से अगर कुछ शिक्षक 15 से 20 शिक्षक भी अगर इसमें आए और इसमें अध्ययन करें, युवाओं का मार्गदर्शन करें, रिटायर्ड जो कर्मचारी है, अध्यापक है, वो भी आए और इसमें सभी प्रकार की जो पुस्तकें पढ़ी है उनका लाभ उठाए। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख सकते हैं। मुझे
और पुस्तकालय के पाठक गणों को गर्व है कि मेरे गांव में एक सार्वजनिक पुस्तकालय है जो गरीब लोगों, युवाओं, शिक्षकों के लिए खुला हुआ है, जिसका लाभ अधिक से अधिक हर वर्ग उठा रहा है और उठाना चाहिए। इसमें किताबों का भंडार भरा हुआ है, सभी प्रकार की इसमें पुस्तकें हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ज्ञान की, ज्ञान लेने की कोई कमी नहीं है। मैं उन सभी महानुभावों का आभारी रहूंगा जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से पुस्तकालय को स्थापित करने में अपना सहयोग दिया और देते रहेंगे। भविष्य में भी पुस्तकालय अपनी ऊंचाइयों को छुएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। मैं जनसरोकार मंच टोंक का आभारी रहूंगा जिन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया, और मैं उन सभी सदस्यों का आभारी रहूंगा जो इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं। और मैं अंतिम निवेदन ये करना चाहता हूं कि पुस्तक संस्कृति को विकसित करने के लिए पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, और ऐसे पुस्तकालय हर ग्राम पंचायत में, चाहे वो सरकारी प्रयास हो, अध्यापकों का प्रयास हो, जन सहयोग हो, उसकी तरफ से स्थापित होने चाहिए, जिससे युवाओं को, गरीबों को, असहायों को, सभी को लाभ प्राप्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।